स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल भटनागर। इस वीडियो में आज हम डबल कॉलम कैश बुक, जिसको हम टू कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, इसका न्यूमेरिकल पार्ट को सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टू कॉलम कैश बुक के थ्योरेटिकल पार्ट, हमने उसकी ट्रांजेक्शन्स को बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है इससे एक पहले, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसको छोड़ के आप पहले उसको समझिए जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है टू कॉलम कैश बुक का। इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल को समझेंगे। इस न्यूमेरिकल को हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 TS ग्रेवाल की बुक से लिया है, जो आपके पेज नंबर 10.16 के ऊपर दी हुई है। स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशंस काफ़ी बड़ी है और मैंने इसमें देखा है कि इसमें आपकी मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स कवर हो रही हैं। हम इसको धीरे धीरे चलेंगे, इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, मैं इसको समझाऊँगा आपको। आपके पास अगर ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये बुक नहीं है तब मैं आप एक स्क्रीनशॉट आपको इस वीडियो में लगा के दूंगा और ट्रांजैक्शंस को धीरे धीरे पढ़ूंगा, जिससे कि आपके पास बुक नहीं भी है तो आप इसको समझ सकें और हम इसको हम बोर्ड पे करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, इलस्ट्रेशंस को लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस ऑफ गुप्ता स्टेशनरी हाउस दिल्ली, प्रिपेयर कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 की सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, अप्रैल के महीने की ट्रांजेक्शन्स हैं। गुप्ता स्टेशनरी हाउस है दिल्ली में, तो उसकी ट्रांजेक्शन्स हमने करनी है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल की डेट में है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 88,010,000। तो हमारे पास कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2018 अप्रैल, फर्स्ट सबसे पहले अप्रैल का महीना, फिर डेट डालिएगा 2। डेबिट साइड में हमेशा 2 से शुरू करेंगे। बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये जो हमें कैश है ये मार्च के महीने का कैरेट डाउन था, जो हमने इस महीने में ब्रॉट डाउन किया है। 88,000 है कैश बैलेंस और 1,10,000 है हमारे पास बैंक बैलेंस। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई है। अब हम सेकंड एंट्री की तरफ चलते हैं। अप्रैल 3 की डेट में है, परचेज गुड्स फॉर ₹14,000 प्लस IGST 12% फ्रॉम मैसर्स अग्रवाला जम्मू, पेड बाय चेक। अग्रवाला जम्मू के हैं, हमने उनको 14,000 का गुड्स खरीदा और उस पर 12% IGST भी दिया। IGST क्यों दिया स्टूडेंट, क्योंकि जिससे परचेज की है अग्रवाला जी, ये हैं जम्मू के और गुप्ता स्टेशनरी हाउस है दिल्ली में, तो IGST लगेगा। तो पेमेंट क्योंकि चेक से हुई है तो हम 14,000 rupees को हम यहाँ पे लिख देंगे और बाय परचेजेस अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों, क्योंकि क्योंकि डायरेक्ट हमने पेमेंट ही कर दी है, इसलिए अग्रवाल जी का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। एंड देन बाय इनपुट IGST, इनपुट IGST हमारा 12% है 1680, आप 14,000 पे 12% निकालेंगे तो 1680 है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपने कैश बुक का ये वाला वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, डायरेक्टली इसी को देख रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा कि अभी आप इसको एग्जिट करो और मेरा GST के ऊपर जो वीडियोज हैं, GST वीडियोज, ये वीडियो नंबर 13 से 16 तक ये GST के ऊपर 4 वीडियो मैंने डाले हैं। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तब ये कैश बुक वाला आपको देखना बेकार है, कैश बुक या जो भी आगे के चैप्टर्स हैं उनको देखना बेकार है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। सीरियसली लेके मैं चला हूँ GST को, और आप भी GST को सीरियसली ले लो, क्योंकि यही आगे चलना है आपका। आगे की लाइन में जो भी आप फाइनेंस की लाइन लेते हो तो GST ही कंसेप्ट चलेगा, जब तक कि कुछ और नहीं आता है। तो इसलिए आप पहले वीडियो नंबर 13 से 16 तक देखो, और इसके बाद अगर आपने जनरल एंट्रीज भी नहीं देखी है, जनरल एंट्रीज के मेरे वीडियोस हैं 17 से 23 वीडियो, 4 वीडियो तो GST के ऊपर हैं और 7 वीडियोस डाले हैं मैंने जनरल एंट्रीज के ऊपर, जिसमें हमने सारी, और इन जनरल एंट्रीज में भी हमने GST को डिस्कस किया, इसमें हमने सारी ट्रांजैक्शंस को लेकर डिस्कस किया है। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को डायरेक्ट देखते हो तो मैं ये समझूंगा कि आपने
जीएसटी और जनरल एंट्रीज की वीडियो देखे हुए हैं और आपको बेस कंसेप्ट मालूम है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ब्रीफ में बता कर चलूंगा। चलिए दोबारा इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इनपुट आईजीएस टी लगा है क्योंकि जम्मू के हैं और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो हमने आईजीएसटी लगा दिया। और आगे चलते हैं स्टूडेंट, 9 अप्रैल की डेट है, कैश परचेजेस ऑफ ₹16,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट 6%। स्टूडेंट्स ये ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर ट्रांजेक्शन है, ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के ऊपर मेरा वीडियो नंबर 21, इसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, कौन देता है, किसको देता है, किस टाइम पे देता है। फिर भी मैं चलिए इस वीडियो में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप अदरवाइज ये 21 वीडियो को पहले देखें फिर आप इसमें आएंगे। तो परचेजेस हैं हमारी इस केस में 16,000, गुड्स का जो परचेजेस नहीं है सॉरी, गुड्स का जो अमाउंट था 16,000 था, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिला है 5% आप निकालेंगे 15,000 पर, 800 रुपीज आएगा, तो 3,200 रुपीज की हमने कैश परचेजेस की है। हमने 15,200 रुपये तो हमने यहाँ दे दिए, 15,200 की क्यों हम एंट्री करेंगे, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन 15,200 की है, हमने 16,800 रुपीज का हमने कहीं जिक्र नहीं करा, 16,000 रुपीज के गुड्स को हमने 15,200 में लिया है, तो हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री अगर हम बनाते तो 15,200। इसके ऊपर CGST और SGST ये लगा 6%, 15,200 पे अगर आप लगाते हैं तो ये बनेगा 912 रुपीज, 912 रुपये हम लिखे थे CGST और 912 लिखे थे हम SGST, ये भी बाय परचेजेस है, बाय इनपुट CGST और इनपुट SGST 912 से। डेट देख लीजिएगा क्या है, ये 3 अप्रैल था। एक चीज और बताऊंगा स्टूडेंट, कैश बुक में आपने इन तीनों को क्लब करके नहीं लिखना है, इन तीनों का टोटल करके नहीं लिख देना है कि बाय परचेजेस दिस मच ऑफ अमाउंट, हमने 912 अलग अलग दिखाना है, CGST इनपुट SGST इनपुट अलग अलग दिखाना है, क्योंकि तो इसको सेट ऑफ करना होता है आउटपुट के साथ में, तो अगर हम यहाँ आउटपुट दिखा रहे हैं तो वो भी अलग अलग दिखाएंगे और इनपुट CGST भी अलग दिखाएंगे, ठीक है। और आगे चले अगली ट्रांजेक्शन के ऊपर, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, अप्रैल 10th है, परचेस्ड पोस्टेज स्टैम्प ₹1,000, 1,000 रुपीज़ की पोस्टेज स्टैम्प दी हैं, ली हैं, 1,000 रुपये से पोस्टेज स्टैम्प्स आपने जो भी खर्चा हुआ है आप वो लिख देंगे, पोस्टेज स्टैम्प लिख दिया आपने 10 तारीख की डेट में, 1,000 रुपीज़ लिख दिया। स्टूडेंट्स जगह कम है, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, स्पेस प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, अप्रैल 12th, कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6,000 रुपीज़ और सेल है 1,12,000। स्टूडेंट्स टोटल सेल हुई है 1,12,000 की, इसके अंदर CGST और SGST 6,000 रुपीज़ इंक्लूडेड है, इट मीन्स सेल कितने की थी एक्चुअल, एक्चुअल सेल अगर आप 12,000 इसमें से निकाल देंगे तो 1,00,000 रुपये की थी, तो 1,00,000 रुपये की हमने बैंक से पेमेंट हुआ है तो 1,00,000 रुपये लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट के एकदम नीचे क्या लिखते हैं, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST, कितना दिया हुआ ये 6,000 रुपीज़, तो टोटल पैसे हमें कितने मिले, यही मिले ना 1,12,000 रुपया, तो ये 1,12,000 रुपये का रिप्रेजेंटेशन जो होगा कैश बुक के अंदर हमारे इस तरह से होगा, और ये ट्रांजैक्शन डेट है 12 तारीख।
और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, 14 तारीख की डेट में ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 8,200। कैश लिया है पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमारा कैश अकाउंट हमारा कम हो जाएगा, कैश बैलेंसेस हमारे 8,200 रुपये से कम हो गए। हम क्या लिख देंगे, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोगों, आपको 14 तारीख की डेट में है, इसका तो सिंपल सा यही है। और आगे चलें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री है 15 अप्रैल की डेट में, रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ए डेटर कैश 6,000 रुपीज़ एंड चेक 10,000 रुपीज़, बोज डिपॉजिटेड इन टू बैंक, अलाउड रुपीज़ 1,000 एज कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट्स, नरेश एक डेटर था हमारा, नरेश से 6,000 रुपये कैश लिए और 10,000 रुपये का चेक लिया और दोनों को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो दोनों को बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो हम सीधा 10,000 और 6,000 16,000 रुपये की एंट्री यहाँ पे हम कर देते हैं, बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं टू नरेश। नरेश ने पैसा दिया 15 तारीख की डेट में, इसको कंबाइंड एंट्री करके दिखाना ही ठीक है। 6,000 10,000 रुपया आप पहले कैश में दिखाओ, फिर माइनस यहाँ क्रेडिट में भी 6,000 रुपये दिखाइए, तो उसके बेटर यही है कि एक ही एंट्री हम बनाते हैं 16,000 रुपीज़ से, क्योंकि दोनों कैश और चेक दोनों को हमने बैंक में जमा कर दिया है। अब इसमें एक चीज़ और है कि डिस्काउंट अलाउ किया है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 1,000 रुपीज़ से, तो क्या एंट्री बनेगी? अब डिस्काउंट अलाउ किया है तो हमने इसकी खूब एंट्रीज प्रैक्टिस करी हुई है, पहले हम इसकी नॉर्मल एंट्री बनाते हैं। हमें चेक से पेमेंट मिली है 16,000 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउड ये हमारा खर्चा हो गया 1,000 रुपीज़ टू नरेश, ये बनती है एंट्री हमारी। इसका मतलब नरेश से हमने 17,000 लेने थे, 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 6,000 उसने कैश दिया और 10,000 का चेक दिया जो हमने इकट्ठा बैंक में जमा कर दिया। ये वाली एंट्री तो स्टूडेंट्स हमने कर ली है। अब ये एंट्री आपको दिखानी पड़ेगी, कैश बुक के नीचे आपको एक जनरल एंट्री बना के दिखानी पड़ेगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट 1,000 रुपीज़ से, ठीक है? अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो फिर से अपने नंबर कटवाएंगे। तो डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो, वो आपने जनरल एंट्री बना के दिखानी है। ये है जनरल प्रॉपर, जो हमने सब्सिडरी बुक्स के 8 सब डिविजन्स किए थे उसमें एक था जनरल प्रॉपर, जो इन किसी भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं आ सकता उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर होगी। तो ये जनरल प्रॉपर है, प्रॉपर जनरल एंट्रीज हम कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, ठीक है? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है 15 अप्रैल की डेट में ही है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ किया है 16,000 रुपया। तो बैंक से पैसा विड्रॉ किया है तो बैंक को तो हमने क्रेडिट करना पड़ेगा, बैंक बैलेंस हमारा 16,000 रुपये से कम हो गया, ठीक है? इसकी जनरल एंट्री क्या बनाते हैं आप, इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए ये दोनों एंट्रीज जो हैं, कैश अकाउंट भी यहीं पर ही है और बैंक अकाउंट भी यहीं पर ही है, तो हमने क्या किया, बैंक को हमने एक तरफ से हमने बैंक बैलेंस कम कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया 16,000 रुपीज़ से और यहाँ लिख दिया बाय कैश 15 अप्रैल की डेट। और दूसरा हमने कैश को कि ऑफिस के लिए निकाला है, तो हमने यहाँ ऑफिस के लिए 16,000 रुपीज़ हमने कैश में ऐड कर दिए और यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक 15 अप्रैल। तो ये हमारी कौन सी एंट्री कहलाती है, कॉन्ट्रा एंट्री। ये लिखना नहीं भूलिएगा वरना फिर से नंबर कटवाइएगा, कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी। दोनों एंट्रीज हमारी कैश बुक में ही आ गई हैं, एक साइड हमारा बैलेंस कम हुआ है, एक साइड हमारा बैलेंस बढ़ गया। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 16 अप्रैल की डेट में, पेड वेजेस 6,000 रुपीज़, हमने 6,000 रुपीज़ वेजेस कैश पे किया है, तो आप कैश बैलेंस कम कर दोगे डेबिट करके कैश को और यहाँ पे आप रीज़न लिख देंगे बाय वेजेस अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट 16 तारीख की डेट में है। ये तो बस इतनी सी एंट्री थी, और आगे चलते हैं। 16 की डेट में ही और है, पेड रेंट 10,000 रुपीज़ प्लस CGST एंड SGST 600 रुपीज़, रेंट पे किया है 10,000 रुपीज़ कैश में पे हुआ है,
तो आपने यहाँ लिख दोगे बाय रेंट अकाउंट। इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे किया है, बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट एसजीएसटी 600 रुपीज ईच। तो हमने ये कैश बैलेंस को कम कर दिया हमने, ठीक है। और आगे चलें, अब हमारी एंट्री है अप्रैल 19 की डेट में, पेड मैसर्स मोहन एंड कंपनी बाय चेक, कैश डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 2000 रुपीज़, 48,000 रुपीज़। अब हमारा क्रेडिटर था मोहन, जिसको हमने 50,000 रुपये देने थे, हमने 48,000 रुपीज़ दिए, उसने 2000 रुपये का हमें डिस्काउंट दे दिया है और हमने ये चेक से पेमेंट करी है। तो क्या एंट्री बनाएंगे, मैं इसको पहले रब कर दूं। मोहन को हम डेबिट करते, मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन को कितने पैसे देने थे हमने वो लिखेंगे यहाँ पे, 50,000 हमने देने थे, हमने दिए कितने हैं चेक से, कितने दिए टू बैंक अकाउंट, 48,000 हमने दिए और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने का डिस्काउंट मोहन ने हमें कितने का डिस्काउंट दिया, 2000 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो ये हमारा रिवेन्यू है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। कैश बुक में अब सिर्फ से ये वाली एंट्री होगी 48,000 की, हमने चेक से पेमेंट करी है मोहन को, 48,000 बाय मोहन अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे, मोहन अकाउंट, डेट देख लीजिएगा क्या है। और जर्नल एंट्री आप क्या बनाएंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2000 रुपीज़। से ये जर्नल एंट्री ज़रूर बना के दिखानी है आपने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 23 अप्रैल की डेट में, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सुभाष फॉर सेल ऑफ गुड्स, सेल वैल्यू 16,000, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज्ड एक्स्ट्रा 6%। सुभाष से को सेल करी है 16,000 रुपीज़ की और सुभाष ने हमें चेक दिया है, तो इसलिए सुभाष का नाम तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या नाम आएगा, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स, गुड्स वैल्यू थी 16,000, इसके ऊपर 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, 960 कैलकुलेट करेंगे 6%, तो 960 आएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सेल के साथ में हमेशा क्या आता है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, क्लियर है, डेट डाल दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, 25 अप्रैल की डेट में है, पेड मैसर्स अग्रवाला कैश रुपीज़ 6,000 एंड रुपीज़ 10,000 बाय चेक, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 720 रुपीज़। अग्रवाला को हमने पे किया है कैश, कितना पे किया, 6,000 रुपीज़ कैश पे किया और 10,000 रुपीज़ चेक पे किया और डिस्काउंट भी रिसीव किया हमने 720 रुपीज़ का। तो क्या एंट्री बनाएंगे हम इसकी, पहले तो चलो यहाँ बना लीजिए, बाय अग्रवाला, बाय अग्रवाला अकाउंट, 25 अप्रैल की डेट है, 6,000 हमने कैश दिया है, 10,000 हमने चेक से दिया है, अब डिस्काउंट भी रिसीव किया हमने इसमें, 720 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव किया हुआ है। तो ये हमारा डिस्काउंट क्या होता है, हमारा टू रिवेन्यू होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसको तो हम करेंगे क्रेडिट क्योंकि हमारा रिवेन्यू है। डेबिट किसको करोगे, मैसर्स अग्रवाला, अग्रवाला अकाउंट 720, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये हमारा रिवेन्यू हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया है और अग्रवाला के अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया 720 रुपीज़ लगा के, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पूरी हो जाती है और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 26 अप्रैल की डेट में, मनीष एक कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक 12,000 रुपया, एक मनीष हमारा कस्टमर था, उसने डायरेक्ट में 12,000 रुपये जमा कर दिए, बहुत अच्छी बात है, 12,000 उसने बैंक में जमा कर दिए हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, टू नाम लिख दो मनीष का, टू मनीष अकाउंट, 26 अप्रैल की डेट में है, हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया है क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया 12,000 रुपये से, ठीक है, ख़त्म हो गई ट्रांजेक्शन ये वाली। और आगे चलते हैं अब, 29 अप्रैल की डेट में, विड्रो
फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, 4,000 रुपया बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं। तो 4,000 रुपया तो हम यहाँ दिखा देंगे, बैंक में बैलेंस कम हो गया बाय ड्राइंग्स अकाउंट। 26 तारीख की डेट में है। नेक्स्ट एंट्री लेते हैं, 30 अप्रैल की डेट में है। बैंक चार्ज कमीशन 2,000 रुपीज प्लस CGST एंड SGST 6%। बैंक ने चार्जेस लिए हैं तो हमारा बैंक से ही पैसा विड्रॉ हो गया बाय बैंक अकाउंट। कितने लिए? 2,000 रुपये लिए। अब 2,000 रुपये उसने CGST और SGST भी लगा दिया है, तो बाय इनपुट CGST और इनपुट SGST 6% है, तो 120 रुपीज़ ये आ गया और 120 रुपीज़ SGST आ गया। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट एंट्री अब हमारी है अप्रैल 30 की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स। बैंक से 10,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, तो 10,000 रुपया हम बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा और हम यहाँ लिख देंगे बाय इनकम टैक्स अकाउंट। ये है 30 तारीख की डेट में। तो ये हमारी सारी ट्रांजेक्शन स्टूडेंट। अब हमने इस कैश बुक की बैलेंसिंग करनी है। आप कैश टोटल कर लीजिए, दोनों साइड का कर लीजिए। कैश टोटल तो हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा होगा, ये आएगा बैंक टोटल करते हैं। बैंक टोटल है 267,920, और यही बैलेंस हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड में, दोनों साइड 104,104,000 और 267,920 रुपीज़। अब कैश बैलेंस 104,000 में से हम ये सारी एंट्रीज का टोटल करके अगर माइनस करते हैं तो ये आ रहा है 54,576। चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर ये सारी एंट्रीज ठीक हैं तो अब हमारा बैलेंस यही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD 30 तारीख की डेट में, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम 267,920 में से इन सारी आइटम्स को माइनस करते हैं तो हमारा बैलेंस CD आता है 1,62,000। हम यहाँ पे लिख देंगे 1,62,000। अब इसी अमाउंट को जो हमने बैलेंस CD किया है, इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे मई फर्स्ट की डेट में। कैश में हम क्या लिखेंगे, 54,576 और बैंक बैलेंस हमारे पास है 1,62,000 और ये आ जाएगा टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, ठीक है। अब ये जो बैलेंस है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये हम मई के महीने में हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आगे चलता रहता है हर महीने। तो ये था स्टूडेंट्स टू कॉलम कैश बुक के ऊपर हमारी इलस्ट्रेशंस, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशंस थी। इसमें हमने सभी कॉन्सेप्ट्स को, सभी जो टिपिकल ट्रांजेक्शंस थी, हमने उन सबको कवर किया है। हमने GST के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया इसमें, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़, टिपिकली सारी ट्रांजेक्शंस को हमने इसमें समझाया और अच्छे से समझाया। कल हम अपना एक नया वीडियो लाएंगे जो हमारी कैश बुक का थर्ड टाइप है। कैश बुक की स्टूडेंट्स 3 टाइप्स हमने बताई थी, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और तीसरी थी पैटी कैश बुक। कल के वीडियो में हम पैटी कैश बुक को हम समझेंगे। इस वीडियो में, इस ट्रांजेक्शन्स में अगर आपको कुछ भी दिक्कत आई है तो आप कमेंट कॉलम में लिखिए और आज ही लिखिए, जिससे कि मैं कल के एक वीडियो में उसको कवर कर दूँ। इसी तरह की इलस्ट्रेशंस आपकी TS ग्रेवाल की बुक में दी हुई हैं, सिर्फ से फिगर्स चेंज हैं, ट्रांजेक्शन सारी यही हैं एंड आई एम श्योर कि आप उसे बहुत अच्छे से कर पाओगे क्योंकि हमने इस इलस्ट्रेशंस को बहुत अच्छे से किया है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल हम पैटी कैश बुक के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।